अहमियत देना चाहिए था, हमने नमाज को अहमियत नहीं दी। औलाद बागी क्यों हुई, औलाद नाफरमान क्यों हुई, नमाज के तर्क की बुनियाद पर। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, मेरे सरकार की हदीसें सही है। तो नमाज छोड़ने वाले जलील होते हैं मरने से पहले, औलाद घर से बाहर निकाले, मोहल्ले वालों में कोई ना पूछे, इंसान खाने को मोहताज हो जाए, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाए। ऐ मेरे कौम की शहजादियों, ऐ सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की कनीज़ों, आओ अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे को सुकून और इत्मीनान बख्श देखना है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारना है, अगर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की मौत से बचना है, तो आज की सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, उठने से पहले पहले अहद करो, जिंदगी में अब सारे काम छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, कभी नमाज नहीं छूटेगी। नमाज का वक्त आएगा तो मुसल्ला बिछा करके पहले नमाज अदा करेंगे, वलीमे की दावत बाद में, पहले नमाज, बाप की मैयत बाद में, पहले नमाज, भाई की बारात बाद में, पहले नमाज, बहन की डोली बाद में, पहले नमाज, बच्चे के स्कूल भी बाद में, पहले नमाज। इसलिए कि सारी चीजों के फायदे हमें दुनिया में मिले ना मिले, लेकिन नमाज वो है, नमाज पढ़ने वाला वो होता है, नमाजी को अल्लाह उसके मकाम से उठा करके मकाम महबूबियत अता करता है।